अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज तलहा गौरी बैक अगेन। आज लेसन टू करेंगे और आप लोग आई एम श्योर आप योर स्टिल इन क्वारंटाइन, योर स्टिल इन आइसोलेशन। बाहर नहीं निकलो प्लीज, खुदा के लिए बाहर मत निकलो, बाकी लोगों से मिलो नहीं। जितना जल्दी ये सीन खत्म हो जाए उतना बेहतर है। द मोर द पीपल गो आउट द मोर द केसेस इंक्रीज, और ये इफ द केसेस इंक्रीज तो यार और कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोग मरेंगे या कुछ होगा, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन लोग बीमार पड़ेंगे बहुत सारे, और इतने लोग बीमारों को हमारा मुल्क संभाल नहीं सकता। ठीक है, हम लोग यार इकोनॉमिकली भी, वर्क वाइज भी, एवरीथिंग इज गोइंग डाउन द हिल, और बहुत परेशानी है हम लोग को। अब हमें एहसास हो रहा है कि यार भी लव आर वर्क, अभी ऑफिस बंद है तो हमें बुरा लग रहा है कि यार ऑफिस नहीं जा रहे हम लोग और काम नहीं कर पा रहे और जो भी चीज़ें। तो नेवर दी लेस आज का एक लेसन करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि फोटोशॉप पे सिलेक्शंस कैसे होती हैं। सिलेक्शन की हमने कल बात की थी लेसन वन में कि सिलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सिलेक्शंस कैसे होती हैं और उसके मुख्तलिफ तरीके, और मास्किंग क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने जो कल लेसन किया था सबसे पहले उसका देख लेते हैं। हम जो तीन लोगों ने अपना असाइनमेंट सबमिट कराया, सिर्फ तीन लोगों ने यार, 700 लोगों ने उसको पोस्ट पे कमेंट किया था कि वो लोग बड़े इंटरेस्टेड हैं, और सिर्फ तीन लोगों ने सबमिट कराया। तो लेट्स सी, अब महानूर का मैं एक्चुअली कल रात को देख चुका हूँ, और महानूर का बहुत ही मज़ेदार असाइनमेंट था, और आप लोगों को भी मज़ा आएगा। अब जिन लोगों ने लेसन वन लिया है हाउ टू मेक अ सैंडविच, वो लोग इससे रिलेट करेंगे, और वो बहुत मज़ेदार इन्होंने असाइनमेंट किया है। शी एक्चुअली ट्राई टू बी फनी और वेरी क्रिएटिव विद इट, और उन्होंने मुझसे भी मतलब शी सेट द बार वेरी हाई। अब उन्होंने एक्चुअल में इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ ब्रेड, उन्होंने ब्रेड की पिक्चर नेट से उठा ली। अब ये असली स्लाइस कॉपी ऊपर रखा है, एक एक असली स्लाइस नीचे रखा है, और अगर मैं ऊपर वाला स्लाइस हटा दूँ, ठीक है, तो ये देखो नीचे सैलेड वगैरह सब पड़ा है। अब ऊपर वाला स्लाइस देखो, मानूर आपने गड़बड़ किया कि इसमें कि आपकी जो ब्रेड है ना, ब्रेड के इर्द गिर्द जो वाइट स्पेस आ रहा है, जो वाइट स्पेस डिलीट करना होता है। ठीक है, अब उसको डिलीट कैसे करेंगे? एक तरीका तो ये है कि मैं एक गोल स्क्वायर सिलेक्शन टूल लूँ, ब्रेड को सेलेक्ट करूँ, ब्रेड को सेलेक्ट करूँ, कंट्रोल एक्स, तो ये चूँकि वेक्टर फाइल है तो ये कंट्रोल एक्स नहीं हो रहा, इसको राइज कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स, ठीक है, और मैंने ये डिलीट ही कर दो लेयर, और कंट्रोल वी। अब देखो मेरे पास लेकिन अभी भी वाइट स्पेस तो बची है। दूसरा तरीका इसका क्या है कि जैसे सिलेक्शन टूल्स होते हैं ना, ये मार्केट टूल्स होते हैं सिलेक्शन टूल्स, इसमें रेक्टेंगुलर सिलेक्शन बनती है और इसमें इलेप्टिकल सिलेक्शन बनती है, इसी तरह एक और सिलेक्शन टूल है वो है लेसो टूल। ये रहा लेसो टूल, में आपकी अपनी मर्जी के हिसाब से सिलेक्शन बनती है, कोई भी शेप की सिलेक्शन बनती है, सिलेक्शन बनती है। ठीक है, अब एक तो तरीका ये है कि आप बहुत प्यार प्यार से धीरे धीरे इसके इर्द गिर्द लेसो टूल चलाएं, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है यार, मतलब कि आप इतना आराम आराम से चलाओगे और ये हो भी जाए बिल्कुल फाइन बने, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका हाथ हिल जाएगा, जैसे मेरा हाथ हिल गया, मेरा हाथ यहाँ पे भी हिल गया, तो ये भी गड़बड़ है। तो एक और सिलेक्शन का एक टूल होता है जिसको बोलते हैं मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल क्या होता है भैया? मैजिक वॉन्ड टूल वो जो मैजिशियंस होते हैं ना, उनके पास वॉन्ड्स होते हैं, वो खिच मारते हैं और वो मैजिक वॉन्ड डंडियां होती हैं मैजिशियंस की, उसको बोलते हैं वॉन्ड। मैजिक वॉन्ड टूल क्या करता है, आपने किसी भी कलर पर क्लिक करना है, वो आसपास के सारे मैचिंग पिक्सल्स को सिलेक्ट कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाइट वाले एरिया पे क्लिक करता हूँ, तो ये आसपास के सारे वाइट पिक्सल्स को क्लिक करके सिलेक्ट कर लेगा, देखो इस तरह, ठीक है, और डिलीट कर दूंगा तो देखो अब सिर्फ और सिर्फ मेरे पास रेड लेयर बची, वाइटनेस खत्म हो गई। इसका साथ अब फोटोशॉप अगर आपके पास नया वाला है तो एक और टूल है बड़ा जबरदस्त, वो क्या है वो भी दिखा देते हैं। रास्टर्स और वेक्टर्स में हम अभी नहीं पढ़ रहे, वो बाद में आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, वो क्या है, वो मैजिक वॉन्ड टूल पे आप लॉन्ग प्रेस करोगे ना तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में क्या होता है भाई, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में आपने जो भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है ना, आप उसके इर्द गिर्द एक स्क्वायर सा बना लो, ठीक है, स्क्वायर ही बन सकता है, रेक्टेंगल सर्कल सब बन सकता है। जैसे ये देखो, ये यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि भैया मुझे स्क्वायर चाहिए, रेक्टेंगल चाहिए, या जो भी चाहिए ना, तो लेसो चाहिए आपको, रैंडम सिलेक्शन करनी है। अब इसने क्या किया, इसने ब्रेड को अलग कर दिया, ठीक है, अभी क्या चीज़ सिलेक्ट हुई हुई है, अभी सिलेक्ट हुई है ब्रेड। मैं डिलीट का बटन दबाऊंगा तो क्या होगा, मैं अगर डिलीट का बटन दबाऊंगा तो डिलीट ही नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही भाई? ठीक है,
मैंने डिलीट का बटन दबाया तो डिलीट का बटन दबाया तो ब्रेड डिलीट हो गई, ये सिलेक्ट किया हुई थी ब्रेड सिलेक्ट हुई थी, लेकिन मैंने एक्चुअली क्या करना है, मैंने ब्रेड सिलेक्ट नहीं करनी, मैंने तो ब्रेड के अलावा वाला जो एरिया है वो सिलेक्ट करना है, वो डिलीट करना है। ब्रेड के अलावा कौन सा एरिया है, ब्रेड के बाहर का। तो अब सिलेक्शन जो आपने की होती है ना उसको आप इन्वर्स कर सकते हो। इन्वर्स कैसे, कि भैया मैंने जितना एरिया सिलेक्ट किया हुआ है ना उसको डीसेलेक्ट कर दो और जितना एरिया सिलेक्ट नहीं हुआ हुआ वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो उसका एक तरीका है, आप सिलेक्ट के मेन्यू में जाएं और यहाँ पे इन्वर्स आता है, और इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट आई। मैंने अब यहाँ नोटिस करना, अभी ये जो एंड्स चल रही है, जो लाइंस चल रही है ना, वो मेरी ब्रेड पे चल रही है, और जैसे ही मैं इन्वर्स क्लिक करूंगा ये ब्रेड पे तो चल रही होंगी, लेकिन ये ब्रेड पे अभी ओपनिंग की चल रही है, फिर क्लोजिंग की चल रही होंगी, और एक लाइन यहाँ चल रही होगी बाहर की तरफ। मैं इन्वर्स करके दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने इन्वर्स पे क्लिक किया देखो एक लाइन बाहर चल गई और एक लाइन ये चल गई। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ब्रेड सिलेक्टेड नहीं है, अब ये सारा एरिया सिलेक्टेड। समझ में आया, ये बैकग्राउंड रिमूवल के लिए बड़ा अच्छा टूल है। अच्छा मैंने अब इस पर डिलीट क्लिक किया, ये डिलीट हो गया, सही। अब क्या आप देखो मुझे ब्रेड नजर आ रही है, उसके थ्रू मुझे सैलेड अपना नजर आ रहा है। मैं सैलेड टियर सेलेक्ट करता हूँ, मूव टूल सेलेक्ट करता हूँ और सैलेड को कोने पे कर सकता हूँ। फिर तो उसके बाद ग्रुप वन पे क्या है भाई, ग्रुप वन में टोमेटोज, अच्छा ग्रुप वन में थैंक यू लिखा हुआ है, ग्रुप वन पकड़ा और ग्रुप वन को कोने पे लाए, ये इसने मुझे कॉमेंट्स दिए बता रिचर बच्ची ने, थैंक यू बेटा, थैंक यू मानू, ठीक है ना। उसके बाद टोमेटो सेलेक्ट करते हैं, टोमेटो वाली लेयर में टोमेटो पड़ी है, टोमेटो का है भाई, ये रहा टोमेटो। अब टोमेटो वाली लेयर सेलेक्ट की, मूव टूल सेलेक्ट किया, सबसे पहले तो ऊपर की थोड़ी सी ब्रेड हटाता है, ये ऊपर वाला स्लाइस है ना इसको थोड़ा सा कोने पे ले आता है, ठीक है। अब मुझे नजर आ रहा है और इसे टोमेटो में भी देखो मेहनत की है, ठीक है। टोमेटो सेलेक्ट किया, अब टोमेटो वाली लेयर हटा देते हैं, टोमेटो वाली लेयर देखो ट्रांसपेरेंसी में आ गई। इसी तरह फिर एक चीज की लेयर है, चीज की लेयर हटा देते हैं, ठीक है। तो वेरी गुड यार, आई लाइक इट मानूर, वेरी गुड जॉब डन, वेरी गुड जॉब। इसी तरह फिर हमारे पास मोइज अहमद ने अपलोड ही नहीं किया, फोल्डर बना दिया अपलोड ही नहीं किया। तो इसी तरह हमारे पास हसनैन पंजवानी, हसनैन ठीक है, आपने लेयर वन में ही ब्रेड डाल दिया, एक्चुअली ब्रेड को आपको बाहर रखना चाहिए था ना, ये तो टोमेटोज का ग्रुप में आई थी, लेयर वन की ब्रेड हम यहाँ कोने पे लेकर आए, टोमेटोज हमने साइड में की है और भी इसी तरह हमने चीज भी साइड में की, ठीक है। दिस इज अ गुड जॉब डन, और आई बिलीव के मानू ने जो है वो बड़ा बार हाई सेट कर दिया था, तो लेकिन दिस इज नेवरथलेस दिस इज अ गुड जॉब डन, ठीक है ना। अच्छा अब हम करने लगे हैं सिलेक्शन टूल, सिलेक्शन टूल। अब फॉर देखो अब हम शुरू करेंगे इस इमेज से, ये इमेज मैंने आपको दे भी दी है काम करने के लिए, तो आप ये इमेज आपके पास होगी, आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखो करना क्या है, ये ऑरेंजेस हैं और ये ऑरेंजेस को, अच्छा देखो मैं बड़ा अच्छा एक सीन होता है, मैं फोटोशॉप पता कैसे यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे सारे शॉर्टकट्स याद हो गए, तो मैं मुझे ना ये इतना टू ये इतना सारा यहाँ पर मंजन आ रहा है, यहाँ पे इतना सारा मंजन आ रहा है, ये बुरा लग रहा होता है, तो मैं बहुत सुकून से ना प्रोसेस करने के लिए मैं इस तरह से प्रोसेस करता हूँ फुल स्क्रीन पे। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे ब्रश टूल लेना है, तो ब्रश टूल का शॉर्टकट क्या है भाई, ब्रश टूल का शॉर्टकट है बी, मैंने बी दबाया ब्रश टूल आ गया, मैंने ब्रश टूल चला दिया। फिर मुझे इरेजर करना है, इरेजर का शॉर्टकट क्या है भाई, ई, मैंने इरेजर टूल लिया, मैंने इरेज कर दिया। इसी तरह मुझे सिलेक्शन टूल चाहिए, तो सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट क्या है भाई, एम, तो मैंने एम दबाया, सिलेक्शन गोल सिलेक्शन हो गई। मैंने मुझे लेसर टूल चाहिए, लेसर टूल का सिलेक्शन क्या है, वो शॉर्टकट क्या है भाई, मैंने दबाया एल, तो वो एल टूल से वो लेसर टूल की सिलेक्शन आ गई, ठीक है। इसी तरह मुझे हर टूल की सिलेक्शन वो शॉर्टकट्स याद है, तो मैं फिर ना मैं इसको टूल्स बंद कर देता हूँ। अभी तरीका क्या है ऐसा करने का, अब जरूरी नहीं कि आप लोग ये करो, मैं सर आपको बता रहा हूँ तरीका क्या है। मैं आप जब एफ प्रेस करते हो ना, तो एफ से आपका व्यूइंग मोड चेंज होता है। अभी ये एफ दबा, ये व्यूइंग मोड है, जैसे मेरे पास टूल बार भी आ रही है, पैनल्स भी आ रहे हैं, मेरे पास स्टेज भी आ रहा है, और मेरे पास मेरा कैनवस भी आ रहा है, जो जो मेरा आर्टवर्क है। फिर मैं एफ दबाता हूँ तो ये ऐसा फुल स्क्रीन हो गया, फिर मैं तो कहीं भी कोने कोने में ले जा सकता हूँ। मैं लेके कैसे जाता हूँ इसको, देखो कोई भी मेरा टूल सेलेक्ट किया, मैंने मूव टूल लिया हुआ हो, मैंने लासो लिया हुआ हो, मेरा ब्रश लिया हुआ हो, मेरा जो भी कर्सर देख रहे हो एरो बना हुआ है सब, क्योंकि मैंने मूव टूल सेलेक्ट किया हुआ है। चलो मैं ब्रश टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये रहा ब्रश, ठीक है। लेकिन जैसे ही स्पेस बार दबाऊंगा ना, ये देखो हाथ में बन जाए, हाथ में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पेस बार दबाया ये हाथ में कन्वर्ट हो गया, स्पेस बार छोड़ दूंगा ये वापस वहीं आ जाएगा, जैसे ही स्पेस बार दबाऊंगा ये हाथ में कन्वर्ट हो जाएगा। हाथ में कन्वर्ट का मतलब कि आप इसको ड्रैग कर सकता हूँ यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, ठीक है, मैं इसको घुमा फिरा सकता हूँ एक तरह। और फिर जूम करना है अगर मुझे, तो मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा और माउस का व्हील घुमाऊंगा। मैंने ऑल्ट प्रेस किया, जहां भी मेरा माउस होगा ना मैं वहां पे व्हील घुमाऊंगा, मेरा माउस मेरा कंप्यूटर वहां जूम कर लेगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने माउस रखा हुआ है पर्पल ऑरेंज के टिप पे, तो ये यहाँ ले आएगा इस स्टैम्प पे। अब मेरा माउस रखा हुआ है जनाब ऑरेंज ऑरेंज की स्टैम्प पे, तो ये यहाँ जूम कर लेगा, ठीक है।
तो मैं उसको एक तरफ ऊपर घुमाऊंगा तो जूम करेगा, नीचे घुमाऊंगा तो जूम आउट करेगा। अब ये आसानी हो गई ना शॉर्टकट से, वरना क्या होता, जूम का यहाँ पर टूल है जिसका शॉर्टकट है जेड, जेड से ये जूम करता है, ठीक है। और आपने कोई भी टूल यूज लिया हुआ होगा ना, कोई भी टूल आप लिया हुआ होगा, आप जब ऑल्ट प्रेस करके वो टूल इस्तेमाल करेंगे ना, तो वो उसको उलट करेगा। जैसे क्या हो रहा है, अभी ये जूम इन कर रहा है ना, जब मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा तो देखो जूम माइनस हो गया, अभी जूम प्लस है, ऑल्ट प्रेस के जूम माइनस हो गया, और फिर मैं क्लिक करूंगा तो जूम आउट हो रहा है। लेकिन ये कबाहत है। दूसरा एक नेविगेशन पैनल आता है यहाँ पे, उसमें आप यहाँ से जूम कर सकते हो, पर यहाँ से नेविगेट कर सकते हो। मुझे ये पसंद नहीं आता। मैं क्या बोलता हूँ यार कि आप ना ये व्यू चेंज किया, टैब दबाओगे तो ये टूल से जाएंगे, टैब दोबारा दबाओगे टूल चले जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं शॉर्टकट्स में यूज कर रहा होता हूँ, जैसे जैसे शॉर्टकट्स यूज करके मैं फुल स्क्रीन में यूज कर रहा होता हूँ। अगर मुझे कोई भी, फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई भी टूल चाहिए ना, तो मैं माउस को पूरा लेफ्ट पे लेके जाऊंगा, ये खुद टूल वापस आ जाएगा, यहाँ आ जाएंगे। मुझे कोई पैनल देखना है तो मैं माउस को पूरा राइट पे लेके जाऊंगा, ये खुद से पैनल्स वहां पे आ जाएंगे, ठीक है। और अगर मुझे वो चाहिए चाहिए पक्का पक्का चाहिए, तो मैं टैब दबाऊंगा, ये पक्का पक्का आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह एफ एफ दबा के मैं दोबारा से अपने वो सेम एनवायरनमेंट में आ गया, एक उधर ये चीज यहाँ समझ में आ गया। अब आपने करना क्या है, आपने ये ऑरेंजेस को सही करना है। अब कोई भी ऑरेंज हम सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स से हम ब्लू ऑरेंज को सेलेक्ट, ठीक है। अब देखो ये तो बैकग्राउंड ले रहे हैं ना, ओरिजिनल ले रहे हैं। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, अभी लॉक हुई हुई है, बैकग्राउंड बनी थी ना अभी, तो ये मैं इसको लेयर बना देता हूँ। मैं इसका नाम देता हूँ डू नॉट टच, ठीक है, डू नॉट टच, और डू नॉट टच ओरिजिनल लेयर है ये, ठीक है। मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, ये लेयर में कन्वर्ट हो गई, और मैं इसको लॉक कर दिया। लॉक करने से क्या होगा फायदा मुझे, कि गलती से भी ना मैं चाहूँ तो इस पर मैं कोई भी टूल नहीं चला सकता। मैंने ब्रश टूल लिया है, मैं इस पर गलती से पेंट नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, अब ये बोलता है कुड नॉट यूज अ ब्रश टूल बिकॉज़ द लेयर इज लॉक, ठीक है। लॉक करने से मुझे ये फायदा हो गया, ये तो चल समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसी लेयर की कॉपी बनाऊंगा, क्या करूंगा, इसी लेयर की कॉपी बनाऊंगा। कैसे, मैंने इस लेयर पे क्लिक किया और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके न्यू लेयर के बटन पे क्लिक करूंगा, ये कॉपी बन जाएगी। एक और शॉर्टकट था इसका, क्या, कंट्रोल जे, ये कॉपी बन गई, ठीक है। डू नॉट टच की कॉपी हो गई है, ठीक है। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, इसका नाम, इसका मैं नाम रखता हूँ ब्लू ऑरेंज फिक्स, ब्लू ऑरेंज फिक्स, ब्लू ऑरेंज फिक्स नाम रख दिया। अब ब्लू ऑरेंज फिक्स, ब्लू ऑरेंज को फिक्स करना है। अब देखो एक चीज है, मैं ये इमेज खोलेंगे ना, मैं इमेज में जाता हूँ, एडजस्टमेंट्स में जाता हूँ, और एक और हमारे पास एक बड़ा जबरदस्त टूल है जिसको हम बोलते हैं ह्यू, और सैचुरेशन चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल ह्यू। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं अपने लेयर, जो भी लेयर मैंने सिलेक्ट की हुई है ना, इससे कलर्स की सैचुरेशन, ये कितना सैचुरेटेड कलर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर सैचुरेशन कम बोलूँ, देखो कलर्स की सैचुरेशन कम हो रही है, जैसे ही मैं सैचुरेशन बढ़ा रहा हूँ कलर्स की सैचुरेशन बढ़ रही है, कलर्स बहुत सैचुरेट हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ह्यू, ह्यू क्या होता है कि जो यार, अगर ह्यू का ना बहुत साइंटिफिक टर्म है, लेकिन अगर समझने के लिए समझ लो कि जो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है ना, उसपे कितने डिग्री पे लाइट रिफ्रैक्ट होती है, और वो हमें उस उतने डिग्री पे, उतना डिग्री शिफ्ट पे हमें विजिबल लाइट नजर आ रही है। जैसे यार रेनबो होती है ना, रेनबो यार, जैसे ये देखो, ये दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, ठीक है। कितना डिग्री शिफ्ट हो रहा है ना स्पेक्ट्रम पे, वो हमारा ह्यू होता है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे पूरी इमेज का ह्यू शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या होगा, देखो सारी इमेजेस का, सारे कलर आपस में शिफ्ट हो रहे हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो हमें क्या करना था, हमें ये वाला ऑरेंज को ऑरेंज करना था जो ब्लू था, ब्लू ऑरेंज को ऑरेंज करना था ना, तो हमने क्या किया, हमने इतना किया कि ब्लू ऑरेंज और अरे वाह, ब्लू ऑरेंज ऑरेंज हो गया, लेकिन गड़बड़ है, अब जो ऑरेंज ऑरेंज थे वो खराब हो गए, ठीक है। अब क्या करें भाई, ये तो फंस गए। अब यहाँ इसको पॉज करते हैं, मैं आपको एक चीज और सिखाता हूँ। देखो ये जो ब्लू ऑरेंज फिक्स है, बल्कि ब्लू ऑरेंज फिक्स को भी फिलहाल हम इस पे भी काम नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम एक और इमेज लोड करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई रैंडम इमेज लोड कर लेते हैं, रैंडम इमेजेस ही नहीं मेरे पास यार, ऐसा कैसे मैं बताऊं। चलो मैं एक अच्छी सी बच्ची डालता है, अच्छा ठीक है जी। अब ये आंटी आ गई, आ गई। अब देखो ये आंटी तो नजर आ रही है, बट आंटी के पीछे का, पीछे ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए, सही। तो मैं क्या करूंगा, ये आंटी देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ देख रहे हैं ना। अब देखो मैं अगर इरेजर टूल, ये रहा इरेजर टूल,
मैंने बहुत बड़ा सा इरेजर टूल लिया और बहुत हार्डनेस की तेज कर दी, बढ़ा दी, और मैं यहाँ पे बैकग्राउंड में इसको इरेज कर दूंगा। ठीक है, जब मैंने आंटी को इरेज किया तो क्या हुआ, आंटी को जैसे ही इरेज किया, बल्कि मैं आपको एक थोड़ी सी एग्जाम्पल और एक्सप्लेसिट देता हूँ अभी के लिए ना। आंटी को बड़ा कर देते हैं पूरा, ताकि वो पूरी थंबनेल पे आ जाए। ठीक है, आंटी ने पूरा पूरा कवर कर लिया, देखो पूरी थंबनेल पे नजर आ रहा है। ठीक है, हाई रेजोल्यूशन में देखो ये तस्वीर है, अब ये वीडियो HD करके कंप्यूटर पे देखो, मोबाइल फोन पे मत देखना। अब क्या करता हूँ, मैं इरेजर टूल लेता हूँ और इरेजर टूल से ये आंटी वाले का बैकग्राउंड इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो थंबनेल में चेकर्ड मार्क्स मेरे नजर आने लग गए। चेकर्ड मार्क्स कैसे, इस तरह के ये चेकर्ड मार्क्स होते हैं थंबनेल में नजर आने लग गए। चेकर्ड मार्क्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये लेयर ट्रांसपेरेंट हो गई है। ट्रांसपेरेंट होने से हुआ क्या, इस लेयर के थ्रू मुझे दिख रहा है, ऐसा ही है ना। अब मुझे क्या दिख रहा है, क्योंकि ये लेयर यहाँ से डिलीट हो गई है, तो इस लेयर के थ्रू मुझे क्या दिख रहा है, मुझे ऑरेंज, ये मुझे ये ब्लू ऑरेंज फिक्स लेयर दिख रही है, ऐसा ही। ठीक है, ऊपर वाली लेयर में जहां भी सुराख हो जाएगा या जिसके जहां पर मुझे छुप जाएगी या डिलीट हो जाएगी, उसके थ्रू मुझे नीचे वाली लेयर दिखना लग जाएगी। कल हमने लेयर्स में यही बात की थी, सही। तो अभी अभी हम कर क्या रहे हैं, देखो हमने अगर हम ये फॉर एग्जाम्पल अभी देखो ये सारे चक्कर चक्कर आ रहा है, क्योंकि यहाँ से लेयर 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 ये ट्रांसपेरेंट है। अब हम क्या करते हैं, हम ये जो सिलेक्शन टूल था ना हमारा बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, हमने लासो नहीं किया इसको, लासो क्यों, रेक्टेंगल नहीं करेंगे, रेक्टेंगल करेंगे तो ये भी आ जाएगा सिलेक्शन में, जब इस तरह की सिलेक्शन, जब करके दिखाया था, जब हम इस तरह से ये सिलेक्शन बनाएंगे ना तो उसका लोगो भी आ रहा है, मुझे लोगो तो चाहिए ही नहीं। ठीक है, मुझे लोगो से सिलेक्ट नहीं किया, बड़ा चीता है यार। ठीक है, अभी इसने क्या किया, ये आंटी सेलेक्ट कर ली, लेकिन मुझे आंटी तो सिलेक्ट करनी नहीं थी, मुझे तो बैकग्राउंड सेलेक्ट करना था। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको इन्वर्स कर दूंगा, कैसे, कंट्रोल शिफ्ट आई, कंट्रोल शिफ्ट आई से इन्वर्स के, तो अब आंटी के अलावा सबको सेलेक्ट हो। ठीक है ना, अब मैं डिलीट कर देता हूँ। बैटरी जा रही है, मैंने ये डिलीट कर दिया। अब देखो ये आंटी के अलावा इनके सब कुछ थंबनेल में ग्रे ग्रे हो गया, चेकर्ड चेकर्ड हो गया, ये तो आंटी ट्रांसपेरेंट हो गई, मेक सेंस, हजम हुआ ना ये। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, यही टेक्निक हम चलाएंगे, कैसे, मैंने ये जो ब्लू ऑरेंज फिक्स था ना, मैंने कंट्रोल यू दबाया, यू सैचुरेशन आ गया, और मैंने इतना इसको शिफ्ट किया कि यहाँ मेरा ब्लू ऑरेंज ऑरेंज हो जाए, और ब्लू ऑरेंज ऑरेंज हो गया, वेरी गुड। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अगर सिलेक्शन टूल लेता हूँ, आ गया बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, और मैं ऑरेंज वाला ऑरेंज सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि ऑरेंज वाला ऑरेंज सिलेक्ट हो गया, बिल्कुल हो गया। ठीक है ना, लेकिन अभी मुझे ऑरेंज वाला ऑरेंज सिलेक्ट करना नहीं था, मुझे तो बाकी ऑरेंजेस चाहिए थे ना, तो मतलब मुझे तो बाकी सबको सिलेक्ट करना, ऑरेंज ऑरेंज मुझे चाहिए, तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट आई दबाया, सिलेक्शन इनवर्स हो गई, अब मैंने डिलीट दबाया, बाकी सब कुछ डिलीट हो गया, समझ में आई। ठीक है, ये ऑरेंज फिक्स हो गया। अब देखो ये जो ब्लू ऑरेंज फिक्स था, ये ऊपर वाले लेयर पे ब्लू ऑरेंज ऑरेंज होके पड़ा हुआ है, नीचे वाले लेयर पे ओरिजिनल लेयर पड़ी है। अब अगर मैं ऊपर वाले लेयर को मूव करता हूँ ना, तो ऊपर वाली लेयर में जो नजर आ रहा है मुझे सिर्फ ये इतना हिस्सा है, बाकी सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, दिस टेक्निक इज कॉल्ड मास्किंग, क्या कहलाती है ये, मास्किंग, कि आपने जो भी चीज चेंज करनी है वो आपने कॉपी की, ऊपर से चेंज किया और बाकी सब कुछ डिलीट कर दिया। जैसे मुझे ये ऑरेंज चेंज करा था, मैंने पूरी लेयर कॉपी की, ऑरेंज को चेंज किया और इस ऑरेंज को छोड़ के बाकी सब कुछ डिलीट कर दिया। लेकिन ये टेक्निक कहलाती है डिस्ट्रक्टिव मास्किंग, क्या कहलाती है, डिस्ट्रक्टिव मास्किंग, क्यों, क्योंकि बाकी सब कुछ डिलीट हो गया, सही है। अब मुझे 20-25 प्रोसेस करने के बाद क्या रहता है, यार नहीं यार मुझे ना थोड़ा फाइन करना है इसको, फाइन क्यों करना है, देखो यहाँ पर ये सफाई नहीं है, सफाई से नहीं होगा, तो मैं क्या कंट्रोल जेड करूंगा, तो अल्टीमेटली वो जो मैंने 20-25 स्टेप्स किए होंगे वो सब चले जाएंगे, ऐसा ही है। लेकिन फिर एक तरीका और है, एक तरीका और क्या है कि मैं नॉन डिस्ट्रक्टिव मास्किंग भी कर सकता हूँ, वो भी सिखाते हैं आपको। अब मास्क क्या होता है, मास्क जैसे मैं चेहरा आपको नजर आ रहा है,
मेरा चेहरा को नजर आ रहा है, लेकिन जब मैं मास्क पहनूंगा तो क्या होगा, चेहरा छुप जाएगा ना, ठीक है। और अगर मैं आधा मास्क पहनूंगा तो क्या होगा, आधा चेहरा छुप जाएगा और आधा नजर आ रहा होगा, ठीक है। मास्क का काम यही होता है एक्चुअली कि छुपा देना उस चीज को। तो हम लोग इस लेयर को मास्क करेंगे और ये लेयर छुपाएंगे, यहाँ तक पहुंचे। अब मैं आपको एक सिलेक्शन टेक्निक और सिखाता हूँ, वो क्या, लासो टूल के अंदर। एक तो लासो टूल मैंने आपको बताया ना, लेकिन लासो टूल तो प्रैक्टिकल नहीं था कि मैं इसको ऐसे ऐसे हाथ से सिलेक्ट करूँ, अभी फाइन सिलेक्शन बनेगी नहीं। इसी तरह लासो टूल के अंदर एक सिलेक्शन और होती है, पॉलीगोनल लासो टूल। पॉलीगोनल जैसे लासो टूल में क्या होता है, फर्क क्या है, लासो टूल तो ये ना क्या था, रैंडम 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 चला दिया और सिलेक्शन बन गई। पॉलीगोनल लासो टूल में क्या होता है कि आप क्लिक कर दो एक जगह, फिर आप दूसरी जगह जहां भी क्लिक करोगे ना वहां तक स्ट्रेट लाइन बनेगी, फिर आप दूसरी जगह जहां तक क्लिक करोगे वहां तक भी स्ट्रेट लाइन बनेगी, फिर आप जहां क्लिक करोगे वहां तक भी स्ट्रेट लाइन बनेगी, और फिर आप लूप बंद कर दोगे तो सिलेक्शन बन गई, ठीक है। फिर एक होता है मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल क्या होता है भाई, वो आप कहीं भी चलाओगे ना तो वो आस पास से कलर्स को पकड़ के उसके साथ साथ चलता रहेगा, उससे स्नैप होके ना उसके साथ साथ चलता रहेगा। देखो मैं ऐसे ऐसे चला रहा हूँ और मैं कहीं भी क्लिक नहीं कर रहा, सिर्फ चला रहा हूँ और वो आस पास से कलर्स को पकड़ के वो बड़ी होशियारी से ना ब्लू ऑरेंज के साथ साथ चल रहा है। लेकिन ये सिर्फ तब काम करता है जब बहुत भड़कीले कलर्स हो आपकी इमेज में, अगर जहां पर भी डार्कनेस आएगी ना तो वो बेचारा फेल हो जाएगा, ठीक है। ये सिलेक्शन बन गई, ये समझ में आ गया हमें, ठीक है। अच्छा एक और सिलेक्शन टूल होती है, वो हम लोग यूज करते हैं, वो कहलाता है पेन टूल। अब पेन टूल थोड़ा सा टेक्निकल है बट बहुत यूजफुल है और नीट भी बहुत है। पेन टूल में क्या होता है भैया, अब पेन टूल में आप एक क्लिक करोगे, फिर जहां पर भी दूसरा क्लिक करोगे वो स्ट्रेट लाइन बनाएगा, फिर जहां पर भी तीसरा क्लिक करोगे वो स्ट्रेट लाइन बनाएगा, फिर जहां पर भी चौथा क्लिक करोगे स्ट्रेट लाइन बनाओगे और फिर आप बनाएगा और फिर आप इसको लूप को बंद कर दोगे, ये लूप बंद हो गया। अभी ये सिलेक्शन नहीं बनी है, अभी ये पाथ बना है, पाथ यहाँ सेव हो रहे होते हैं, जैसे देखो ये सेव हो रहा है। इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट करते हैं कैसे, राइट क्लिक करेंगे मेक सिलेक्शन। अब वो पूछेगा भाई फेदर फेदर कितना होना चाहिए, फेदर मतलब कितना सॉफ्ट सिलेक्शन होनी चाहिए, बोलता तो नहीं यार फेदर बिल्कुल नहीं हो, ये सिलेक्शन बन गई, ठीक है। एक और तरीका होता है कि मैंने ये पाथ बना लिया, मैं कंट्रोल क्लिक करके इसके थंबनेल पे क्लिक करूंगा पाथ के, तो सिलेक्शन बन जाएगी, ठीक है। अब लेकिन ये तो मैं पॉलीगोनल लासो टूल से भी कर सकता था, क्या इसमें तीर हुआ भाई, इसमें तीर ही हुआ। अब आप एक चीज देखिए, तीर ये हुआ कि मैं यहाँ क्लिक किया, फिर यहाँ क्लिक करूंगा तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी, बिल्कुल बनेगी, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। अब यहाँ क्लिक करूंगा तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी, बिल्कुल बनेगी। लेकिन आप एक चीज नोटिस करना कि मैं क्लिक करके क्लिक छोड़ूंगा नहीं, क्लिक करके क्लिक को रिलीज नहीं करूंगा, मैंने क्लिक किया क्लिक रिलीज नहीं किया और अब मैं माउस को मूव कर रहा हूँ, उसने कर्व बना दिया, समझ में आया ये, ठीक है। जैसे जैसे माउस मूव कर रहा हूँ वैसे वैसे उसको कर्व में डालना है। अब ये जो कर्व है ना, ये कर्व इसका ये वाला कर्व हैंडल सेट करता है। अब ये कैसे, देखो जैसे ये कर्व हैंडल जो है ना, ये जितना लंबा होगा और जिस हिसाब से ये जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा, ये कर्व उसके डायरेक्टली कोरिलेटेड है। कैसे, मैं कंट्रोल प्रेस करके ये कर्व हैंडल लगा छेड़ो तो देखो कैसे सुनो, अब ये वाला कर्व हैंडल और वो वाला कर्व हैंडल दोनों मूव हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं यार ये वाला कर्व हैंडल मूव ना हो, सिर्फ ये वाला कर्व हैंडल मूव हो, तो मैं ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करूंगा तो ये खाली ये वाला कर्व हैंडल मूव होगा, सही है। अच्छा अब मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी, नहीं स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। उसका रीजन क्या है, क्योंकि तो इस डॉट के पीछे जो कर्व हैंडल था वो ये वाला कर्व सिलेक्ट कर रहा था, लेकिन अब जो आगे कर्व हैंडल है ना वो आगे जाने वाली लाइन का कर्व सिलेक्ट डिसाइड करेगा। कैसे, मैं अगर यहाँ क्लिक करूंगा ना तो जो भी लाइन बनेगी स्ट्रेट वो इस कर्व हैंडल के साथ में चलती है, ऐसे समझ में, ठीक है। अब अगर मैं फर्ज करो एक डॉट यहाँ किया, एक क्लिक यहाँ किया, एक क्लिक यहाँ किया, एक क्लिक यहाँ किया, फिर एक क्लिक यहाँ किया, अब मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ जो लाइन क्लिक करो ना, जो लाइन बने वो स्ट्रेट बने, वो कर्व के साथ मूव होती ना है, तो मैं ऑल्ट प्रेस करके इसके वर्टेक्स पॉइंट पे या एंकर पॉइंट पे क्लिक करूंगा तो ये आगे वाला कर्व आर्म डिलीट हो जाएगा, इस तरह डिलीट हो गया। अब मैं जहां क्लिक करूंगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, और फिर राइट क्लिक मेक सिलेक्शन, ठीक है जी। अच्छा अब क्या करते हैं,
मेरे ख्याल से अजान हो जाए फिर तो कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, नमाज तो खत्म हो गई, अजान खत्म हो गई, तो अब हम सिलेक्शन करने लगे। ठीक है, सबसे पहले तो एक काम करते हैं ना, अब मैं आपको ये जो मास्किंग जो सिखाने लगा था, मास्किंग हम करेंगे क्या, ये ब्लू ऑरेंज फिक्स नजर आ रहा है, ठीक है, इस पे एक मास्क लगाएंगे। मास्क मतलब मैं ये एड लेयर मास्क का नजर आ रहा है बटन, आपको ब्लू ऑरेंज फिक्स के सेलेक्ट किया, एड लेयर मास्क पे क्लिक किया और ये मास्क ऐड हो गया। ठीक है, ये इस लेयर का ब्लू ऑरेंज फिक्स का मास्क है। अब एक चीज जहन में रखें बहुत ध्यान से, आप अभी मैंने क्या सिलेक्ट किया हुआ है, अभी मैंने अपनी लेयर सेलेक्ट की हुई है, और अभी मैंने क्या सिलेक्ट किया हुआ है, अभी मैंने अपना मास्क सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, मैं अगर नीचे वाली लेयर को फिलहाल के लिए हाइड कर देता हूँ, तो हमें अभी क्या चीज, कौन सी लेयर नजर आ रही है, हमें अभी नजर आ रही है कौन सी लेयर, ब्लू ऑरेंज फिक्स वाली लेयर, तो ऊपर लेयर थी वो नजर आ रही है, ऐसे ही। अब मास्क पे आप एक्चुअली कलर्स फिल कर दो, ठीक है, और कौन से कलर्स, मास्क पे सिर्फ और सिर्फ दो कलर्स फिल हो सकते हैं, या तो ब्लैक या फिर वाइट। वाइट का मतलब है कि मास्क ऑफ है, और ब्लैक का मतलब है कि मास्क ऑन है। अब मैंने ब्रश टूल लिया और ब्लैक कलर का ब्रश लिया और मैंने ब्रश का साइज बड़ा किया, और अगर मैं अब ब्रश से ब्लैक कलर भरूंगा तो देखो क्या हो रहा है, ब्लैक तो खैर ये हो नहीं रेड था, ठीक है, ब्लैक कलर भरूंगा तो क्या हो रहा है, तो काला हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने गलती क्या की, मैंने गलती ये की कि मैंने लेयर सेलेक्ट की हुई है, मुझे लेयर सेलेक्ट नहीं करनी, मुझे इस लेयर का मास्क सेलेक्ट करना है। तो मैं अब इस लेयर के मास्क पे क्लिक करूंगा और अब मैं इसमें ब्लैक लेयर भरूंगा। अब देखो जहां जहां मैं ब्लैक लेयर भर रहा था वहां से हो क्या रहा है, वहां से वो लेयर इरेज हो रही है, ठीक है ना, इरेज नहीं हो रही, देखो लेयर तो अभी भी वही की वही मौजूद है, वहां से वो लेयर हाइड हो गई है। ठीक है, अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे ना ये रेड ऑरेंज दिख रहा था, तो मैंने रेड ऑरेंज पे इरेजर इरेजर किया 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 किया, रेड ऑरेंज डिलीट हो गया, लेकिन आ आ आ अच्छू, अरे अब क्या करें यार, कंट्रोल जेड करूंगा तो पूरा वापस आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करें भाई, अब मुझे ये ऑरेंज वापस चाहिए ना, ब्लू वाला, ये डिलीट तो हुआ थोड़ी है, डिलीट थोड़ी हुआ है, ये सिर्फ हाइड हुआ है, मैं इसको वापस ला सकता हूँ। कैसे, अभी मैं ब्लैक कलर से पेंट कर रहा था ना, अब मैं यहाँ से कलर्स जो वाइट कलर लूंगा और मैं वाइट से पेंट करूंगा, मैं वाइट से पेंट करूंगा तो जहां से वाइट कलर पेंट करूंगा वहां वहां से वो वापस आ जाएगा। आया समझ में? ठीक है ना। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, हमने ये मास्क तो लगा लिया, अब मैंने पेन टूल लिया और ये जो ब्लू वाला ऑरेंज है ना इसको हम सेलेक्ट करेंगे। कैसे, हमें देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ क्लिक किया, अब मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी, मुझे स्ट्रेट लाइन तो चाहिए ही नहीं, मुझे तो कर्व चाहिए, तो मैं यहाँ क्लिक करके अपना माउस मूव करूंगा इस तरह से कि मेरा जो कर्व बन रहा है ना वो मेरे ऑरेंज का मैच हो जाए, मैच हो गया। ठीक है, अब जब मैं ये, आपको पता नहीं कर्वेचर आर्म नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये रहा कर्वेचर आर्म, अब मैं जब यहाँ क्लिक करूंगा तो वो तो लाइन जो बनी वो तो ऐसी बनी, ऊपर से तो आई नहीं, अब क्या करें भाई। ठीक है, अब ये इसकी वजह ये कि यहाँ पर इधर से लेके ये कर्वेचर आर्म चल रहा है, तो अब ये कर्वेचर आर्म जो है ये डिलीट हो सकता है। कैसे, मैं ऑल्ट प्रेस करके इसके एंकर पॉइंट पर क्लिक करूंगा तो आगे वाला कर्वेचर आर्म डिलीट हो जाएगा। ठीक है, मैंने फिर ये सिलेक्शन बनाई, ठीक है, मैंने दोबारा ऑल्ट प्रेस किया इस कर्वेचर आर्म पे, ये है ये आगे वाला कर्वेचर, सॉरी एंकर पॉइंट पे, तो आगे वाला कर्वेचर आर्म डिलीट हो गया। इसी तरह मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये देखो स्ट्रेट लाइन बनी, लेकिन अब मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो मैं वो कर्वेचर से इसको उस कर्व से इसको मैच कर सकता हूँ, लेकिन अब दोबारा अगेन मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो वो स्ट्रेट लाइन तो बनेगी नहीं, तो कर्व के साथ बनती आएगी, देखते कैसे, ये देखो, लेकिन ये कर्व मेरे ऑरेंज से मैच तो नहीं कर रहा ना, तो ये तो मेरे काम का नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑल्ट प्रेस करके इसके एंकर पॉइंट पे क्लिक करूंगा, आगे वाला आर्म डिलीट हो जाएगा और ये मैंने एक कर्व बना दिया। अब अभी प्रैक्टिस में फिलहाल ये रखो कि वापस जाओ, ऑल्ट प्रेस करो और आगे वाला कर्व डिलीट कर दो। इसी तरह जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ, अब देखो ये मेरा आखिरी एंकर पॉइंट था, अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ,
ये स्ट्रेट लाइन बनी और मैं आपसे कर मैच कर रहा हूँ, मैच हो गया और मैं दोबारा वापस गया, ऑल्ट प्रेस किया और डिलीट कर दिया। इसी तरह यहाँ आया और फिर ऑल्ट प्रेस किया, डिलीट कर दिया। फिर इसी तरह मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन बनेगी, लेकिन मैं क्लिक करके छोड़ूंगा नहीं, मैं ड्रैग करूँगा। ये देखो मैंने मैच कर लिया, ये मैच हो गया, ठीक है, नहीं हुआ सही से, रेड ऑरेंज भी सिलेक्ट हो गया। ये बन गया मेरा पूरा पास बन गया। अब मैंने राइट क्लिक किया, मेक सिलेक्शन, ठीक है, ये सिलेक्शन बन गई, सही। अब सिलेक्शन तो बन गई, लेकिन अब अगर मुझे इसका ह्यू चेंज करना है तो अच्छा ह्यू, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको हाइड करना है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं बकेट टूल लूंगा, ये रहा बकेट टूल, ब्लैक कलर का बकेट टूल लिया, ब्लैक कलर का बकेट टूल लिया। और अभी देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने ये अगर लेयर सेलेक्ट की हुई बकेट टूल प्रेस करूंगा तो इसमें डाल देगा, मुझे इसमें तो चाहिए, मुझे तो मास्क में चाहिए। सिलेक्शन तो बनी है ना मेरी, मैंने मास्क सेलेक्ट किया, यहाँ क्लिक किया, तो अब क्या हुआ, अरे इसे तो क्या किया इसने, तो ऑरेंज को डिलीट कर दिया। मुझे ऑरेंज थोड़ी डिलीट करना था यार, मुझे तो बाकी सब कुछ डिलीट करना था ना, मुझे तो बाकी सब कुछ हाइड करना था। तब कंट्रोल जेड करते, अभी सिलेक्शन में क्या हुई है, सिलेक्शन तो मेरे ऑरेंज की बनी हुई है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिलेक्शन को इन्वर्स करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई, सिलेक्शन इन्वर्स हो गई, अब ऑरेंज के अलावा बाकी सबको सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ जब बकेट टूल से ब्लैक पेंट भरूंगा तो ये देखो, और डी सेलेक्ट कैसे करते हैं, कंट्रोल डी से। अब क्या हुआ, ये देखो सब जगह ब्लैक भरा गया, अब मुझे ऊपर वाले लेयर में सिर्फ ये ब्लू ऑरेंज नजर आ रहा है, बाकी सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। अब अगर नीचे वाली लेयर को मैं विजिबल कराऊंगा तो अब क्या होगा, मुझे बाकी एरिया में नीचे वाली लेयर नजर आने लगेगी, इस तरह से, सही है ना। अब मैं ये लेयर सेलेक्ट करता हूँ, कौन सी लेयर, ब्लू ऑरेंज फिक्स, और कंट्रोल यू से ह्यू सैचुरेशन खोलता हूँ और इसको इसी, समझ में आई, ठीक है। अब फिर अब मुझे आपको ये पर्पल ऑरेंज फिक्स करना है, तो मैंने यही लेयर्स को कंट्रोल जे किया, ठीक है, और इसका नाम रख देता हूँ मैं पर्पल ऑरेंज, पर्पल ऑरेंज, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अभी से मास्क नहीं लगा रहा, मैं अभी से मास्क नहीं लगा रहा, ठीक है, मैं इसको भी हाइड कर देता हूँ और इसको भी, नीचे वाली लेयर को भी हाइड कर देता हूँ, दोनों लेयर्स को हाइड कर दिया, सिर्फ पर्पल ऑरेंज वाली लेयर दिख रही है। मैंने पेन टूल लिया और मैं पर्पल ऑरेंज सेलेक्ट कर रहा हूँ, मेरे कीबोर्ड की बैटरी खत्म हो रही है, मुझे उसको चार्ज पे लगाना है, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी करूँ, इससे पहले के बैटरी हो जाए। ये है कि मैंने होमवर्क नहीं किया था अपना, अगर मैंने किया होता तो मुझे पहले से मैं चार्ज करके कीबोर्ड की बैटरी बैठा होता। लैपटॉप भी शिफ्ट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लैपटॉप का स्क्रीन भी यूज़ करना पड़ेगा और वो रेजोल्यूशन फिर शिफ्ट हो जाएगा, रिकॉर्डिंग फंस जाएगी, बहुत मुश्किल है ज़िंदगी यार। हैट्स ऑफ टू दीज गाइस जो कि जिनका काम है ये ऑनलाइन लेसन देना, ठीक है जी। सिलेक्शन बन गई, मतलब अभी तो सिर्फ पाथ बना है, राइट क्लिक किया, मेक सिलेक्शन, ओके सिलेक्शन बन गई, लेकिन मैंने मास्क तो लगाया ही नहीं था। अब जो क्या मजेदार बात है ना, अब जब मैं सिलेक्शन बनी हुई है, अब मैं मास्क पे क्लिक करूंगा ना तो खुद ही खुद ही उसको फिल कर देगा, देखो जैसे ये देखो, खुद ही खुद ही सब जगह फिल कर देगा, इसने जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया था उसको छोड़ के बाकी सब जगह को खुद ही डिलीट कर दिया, खुद ही हाइड कर दिया, ठीक है। अब मैं नीचे वाली लेयर को विजिबल कराऊं, ये नीचे वाली लेयर विजिबल हो गई, ऊपर वाली लेयर में को अब नीचे वाली लेयर में तो ऑब्वियसली ये ब्लू ऑरेंज था, अब ये ऊपर वाली लेयर को विजिबल कराऊंगा तो ब्लू ऑरेंज फिक्स हो गया। अब मैंने क्लिक किया, मैंने पर्पल ऑरेंज वाली लेयर सेलेक्ट की, कंट्रोल यू दबाया और इसका ह्यू चेंज किया और ये भी ऑरेंज हो गई। हालांकि ये लेयर ऑरेंज नहीं हुई है, एक्चुअली ये अलग ऑरेंज पड़ा है और
ये अलग ऑरेंज पड़ा है, लेकिन हमें लग रहा है कि एक ही और, ठीक है ना, एक ही मतलब हमें लग रहा है कि ये फिक्स हो गई, समझ में है। अच्छा तो आपको होमवर्क ये है भैया कि आपने ये ऑरेंजेस सारे फिक्स करने, इस ऑरेंजेस को यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, और भैया आंटी का ड्रेस है ग्रीन कलर का, इसको आपने रेड करना है। दिस इज योर होमवर्क आज के लिए। और ये लेसन, ये वीडियो तो मैं अपलोड कर ही रहा हूँ, साथ में एक और वीडियो जो मैंने पहले इसी लेसन की बनाई हुई थी वो भी अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका नाम रखूंगा वॉच मी फर्स्ट, और उसका नाम रखूंगा वॉच मी लेटर, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट गाइस, अल्लाह हाफिज़।